2 1 0 प्लस 5 सेकेंड्स लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को होने वाली है। आज शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग है और इस अभियान को सफल बनाने में वैज्ञानिक जो हैं वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इसी वैज्ञानिकों की टीम में युवा वैज्ञानिक आयुष झा भी है जो की जमशेदपुर के है। इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों की टीम में आयुष झा झारखंड के युवा वैज्ञानिक है जो की चंद्रयान 3 की लैंडिंग में अहम रोल निभाएंगे। आयुष के इस उपलब्धि से बिहार झारखंड समेत पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आयुष के बारे में आपको बता दें कि आयुष पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर के रहने वाले हैं। आयुष मिशन चंद्रयान 3 में बतौर इसरो वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने वाली टीम में उनकी जो भूमिका है वो बेहद अहम है। चक्रधरपुर चाईबासा समेत पूरे पश्चिम सिंहभूम जिले के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। आयुष ने इसी जिले से अपनी माध्यमिक शिक्षा जो है वो हासिल की है, यहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई की है। आपको आज हम आयुष के बारे में बताएंगे। बता दें कि उनसे बातचीत हुई तो आयुष झा के बारे में काफी कुछ कहा कि वो काफी होनहार है, गणित और विज्ञान के विषय में आयुष की काफी रुचि रही। यही नहीं, स्पोर्ट्स में भी आयुष काफी आगे थे, उनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। और इसके साथ ही उन्होंने आयुष के बारे में क्या कुछ कहा, उनके टीचर की बात एक बार आपको सुनाना चाहेंगे, एक बार सुनिए। वे खेल में भी अच्छा करते थे और मिलनसार थे और गुरुजनों के काफी आदर और सम्मान करते थे। क्योंकि हम लोग नवोदय विद्यालय के शिक्षक के रूप में ही केवल नहीं है बल्कि क्योंकि बच्चे हमारे साथ यहाँ पर दिन और रात एक साथ रहते हैं तो हम लोग अभिभावक और बच्चों का संबंध हो जाता है, पिता और पुत्र का संबंध हो जाता है, तो हम लोग की उम्मीदें भी बढ़ जाती है। और साथ ही आयुष जी के लिए हमारा एक संदेश ये होगा कि चंद्रयान 3 अभी आपकी शुरुआत है, आप गगन और आदित्य जैसे मिशन जो आगामी समयों में इसी के जैसे और मिशन होने वाले हैं, भारत का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय पश्चिमी सिंहभूम का नाम आप ऊंचाइयों तक ले जाए। बता दें कि इसरो वैज्ञानिक आयुष झा के पिता ललन कुमार झा चक्रधरपुर में प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे, माँ विनीता झा हाउसवाइफ हैं। आयुष झा ने पश्चिमी सिंहभूम के जवाहर नवोदय विद्यालय से अपने 10वीं तक की पढ़ाई जो वो की है, उसके बाद डीएवी बिशटपुर से 12वीं पूरी की। जेई में सफल होने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम से ग्रेजुएशन किया है और फिर इसके बाद 2016 में इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में एक वैज्ञानिक के तौर पर योगदान दिया। पहले बड़े प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें आयुष की, तो चंद्रयान 2 के रडार के विकास पर आयुष ने काम किया और अब चंद्रयान 3 के रडार विकास के साथ उसकी लैंडिंग और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन पर काम कर रहे हैं। आयुष अभी बेंगलुरु में है जहां पर सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद सारा ऑपरेशन होता है और अब आज जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी तो वहां आपको झारखंड के इस लाल की अहम भूमिका नजर आएगी। आप देख रहे थे झारखंड से सत्यजीत की रिपोर्ट। तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।